त्रिपुरा भारत में लेफ्ट का गढ़ था। 25 सालों तक लेफ्ट के इस लाल किले को छू भी नहीं पा रहा था, इसके करीब भी नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन 3 मार्च 2018 को आए परिणाम में बीजेपी ने न केवल इस किले में सेंध मारी बल्कि इस किले को ढा दिया। किसने जिताया बीजेपी को? अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष और पीएम नरेंद्र मोदी का कहना है कि ये कार्यकर्ताओं की जीत है। लेकिन ये जीत कार्यकर्ताओं की बाद में है, उससे पहले सुनील देवधर नाम के शख्स की चतुराई, रणनीति और उनकी तरकीबों की जीत है जो उन्होंने बीते 3 सालों में त्रिपुरा में किया है। नमस्कार, मैं जनार्दन पांडे आज आपके सामने त्रिपुरा में बीजेपी की जीत के उस पुलिंदे को खोलने जा रहा हूँ जिसको पढ़ पढ़ के बीजेपी ने लाल किले को ढहा दिया। परिणामों को जब करीब से हम देखेंगे तो पाएंगे कि सीपीएम को मिले वोट और बीजेपी को मिले वोट में केवल 6518 वोटों का फर्क है। सुनील देवधर ने द प्रिंट को बताया है कि त्रिपुरा के 3214 बूथों में उन्होंने 3209 पर अपनी एक समिति तैयार की थी, वहां की वोटर लिस्ट पे काम करें। वोटर लिस्ट करीब करीब 15 से 17 पेज की होती थी, एक पेज पर 60 नाम होते थे। इन 60 लोगों पर काम करने के लिए उन्होंने एक शख्स नियुक्त किया। इन शख्स का नाम होता था पन्ना प्रमुख। पन्ना प्रमुख उन 60 लोगों के घर जाते थे, दरवाज़ा खटखटाते थे, उनसे बैठ के मौजूदा राजनीतिक हालात पे बात करते थे। क्या ये लोग बीजेपी को वोट करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो क्या इनके बीच से किसी शख्स को खड़ा किया जा सकता है जो सीपीएम के वोट काटे? हालिया रिजल्ट में बोगस कैंडिडेट या इस तरह के उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा है जिनको बहुत कम वोट मिले हैं। बताया जाता है कि ये वोट सीपीएम के थे जो कट गए। अगरतला से धर्मनगर को जाने वाली ट्रेन वहाँ की प्रमुख ट्रेन है त्रिपुरा की, उस पर हर रोज मोदी टी शर्ट पहने करीब 50 लोगों का जत्था चढ़ता था और लोगों को बुकलेट बांटता था और उनसे जाते जाते उनका फ़ोन नंबर लिया जाता था। इन फ़ोन नंबर पर रोजाना भाजपा के पक्ष में और अपोनेंट को ध्वस्त करने जैसे मैसेज भेजे जाते थे। लोकसभा चुनाव 2014 के बाद चुनावी रणनीतिकार के तौर पर एक नाम सामने आया, प्रशांत किशोर। लेकिन वे एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने जल्द ही दूसरी पार्टियों के लिए काम शुरू कर दिया। इसलिए अब भाजपा सचेत हो गई है, वे कुछ ऐसे नाम पर दाव लगा रहे हैं जो उनके अपने हैं। सुनील देवधर उनमें से एक नाम है। सुनील देवधर साल 1985 से आरएसएस में रहे हैं और अब वे भाजपा के लिए प्रमुख चुनावी रणनीतिकार के तौर पर काम कर रहे हैं। उनका कार्यक्षेत्र ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट रहा है, इसलिए वहाँ की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। भविष्य में हम उन्हें मुख्य राजनीति में भी चुनावी रणनीतिकार के तौर पर देखेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए लोकमतन्यूज.इन पर। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो आप हमें वहाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।